नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी लाइव पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, राजस्थान का कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर स्पेशली हम बात करेंगे अपने राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है इसको। तो जनसंख्या आप देखना शुरू करते हैं तो जनसंख्या से लगभग लगभग जितने भी अपने एग्जाम हैं सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी आपका एग्जाम हो राजस्थान का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी पर आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है और ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए है। और ये टेस्ट सीरीज हर संडे को होती है, संडे को आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। एनालिसिस जो होता है इसका सोमवार को करा जाएगा, शाम को 4 बजे टेस्ट सीरीज होती है। और अगर इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपका रैंक फर्स्ट आती है तो आपको यहाँ पे हम 1 साल के लिए फ्री स्कॉलरशिप देंगे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। अगर आप 2 से 3 रैंक पे आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप देंगे। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं कौन सी पे, मैं देखना शुरू करता हूँ, 3 रैंक से बाद में मतलब 4थी से 20वीं तक आ रहे हैं तो 50%, और 21 से 75 तक आ रहे हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप देंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखना शुरू करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको जितने भी हमारे कोर्स देखने को मिलते हैं, ये आपके लाइव कोर्सेज होते हैं, लाइव क्लासेज देख सकते हैं आप, अनलिमिटेड जितने भी कोर्स हैं आप सारे के सारे देख सकते हैं, चाहे वो आपका रीट का हो, एसआई का हो, आरएएस का हो, पटवारी का हो, राजस्थान के किसी भी एग्जाम का हो, वो सारे कोर्स देख सकते हो। टॉप एजुकेटर जो हैं वो सारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप आरएएस की या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हर 3 सेशन के बाद में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें एजुकेटर आपके डाउट जो है वो क्लियर करता है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाएंगे। आंसर राइटिंग आरएएस के लिए यहाँ पे करवाई जाएगी और पर्सनल गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखना शुरू करते हैं तो अगर बैच में देखता हूँ तो हमारा एक बैच जो है 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 30 जून तक रहेगा। ये राजस्थान एसआई का बैच है आपका। उसके अलावा दूसरा जो बैच है हमारा 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये आपका रीट लेवल फर्स्ट के लिए है। एक बैच हमारा 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है आरएएस प्रीलिम्स के लिए, और आपका एक बैच रीट लेवल 2 के लिए शुरू हो रहा है 8 अप्रैल से। नेक्स्ट एक 9 तारीख से शुरू हो रहा है आपका आरएएस फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करेंगे। तो ये हमारे आपको कुछ कोर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, राजस्थान एसआई की, पटवारी की, हेडमास्टर पेपर फर्स्ट, उसके अलावा मैं देख सकता हूँ वन रक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, आपका JVVNL, रीट लेवल 1 और 2, और उसके अलावा किसी भी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो हमारे दोनों लैंग्वेज में आपके बायलैंगुअल कोर्स देखने को मिलेंगे। एक बार जैसे ही आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो ये जितने भी कोर्सेज हैं आप ये सारे कोर्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे आरएएस की करेंगे तो आरएएस का कोर्स अलग से परचेज करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसी फीस में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसी फीस में आप सारे के सारे कोर्स देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फीस होगी 6,300। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस होगी 7,560। और इसके लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं TT Live। ठीक, जैसे ही आप जाएंगे आपसे रेफरेंस कोड पूछेगा तो ये कोड यूज कर सकते हैं। ये कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 10% का ऑफ। तो ये थी अनअकैडमी की बात। अब आगे बात करते हैं, हम देखना शुरू करते हैं राजस्थान की सेंसस या राजस्थान की जनसंख्या। तो देखो, सबसे पहले अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो जनगणना का जो कार्य होता है ये होता है आपका किसका, केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम देखने को मिलेगा आपका। ठीक, नेक्स्ट, हेलो कोमल, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं देखना शुरू करता हूँ तो ये जो जनगणना देखने को मिलेगी ये आपका किसका होगा, केंद्र सरकार का कार्य। अब बात ये आती है कि सर जनगणना जो है ना ये याद नहीं होती, इसको याद कैसे करा जाए, इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे आप तो ये बता दो। ठीक, अक्सर विद्यार्थियों की यही आपकी डिमांड होती है। तो आप इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं राजस्थान की जनगणना भी जब करी जाएगी जब आपकी भारत की जनगणना होगी। मैं यही बोल सकता हूँ, जब से आपकी भारत की जनगणना होगी तभी राजस्थान की जनगणना होगी। ऐसा तो है नहीं राजस्थान अपनी अलग से जनगणना करवाएगा आपका। तो कुछ दशक देखने को मिलते हैं। एक तो भारतीय जनगणना में दशक देखने को मिलता है 1921 का दशक। ठीक, 1921 का जो दशक देखने को मिलता है, इस दशक के अंदर जो जनसंख्या है ये नकारात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में देखने को मिलती है, माइनस में देखने को मिलती है आपकी, -6% समथिंग देखने को मिलती है राजस्थान की। तो अगर आपसे पूछ ले राजस्थान राज्य की सबसे न्यूनतम वृद्धि कब रही थी तो मैं बोलूंगा 1921 के दशक के अंदर रही थी, माइनस के अंदर या नकारात्मक। उसके बाद में अगर बात करते हैं राजस्थान की तो 1981 का जो दशक देखने को मिलता है
इस दशक के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अगर पूछ ले राजस्थान की सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई है, तो मैं बोलूंगा आपका 1981 का जो दशक देखने को मिलता है, इस दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि। देखो नकारात्मक तो आप ध्यान रखते हो 1921 का, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर न्यूनतम लिंग अनुपात अब तक का सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो 1921 के अंदर ही रहा है, सबसे कम लिंग अनुपात। ठीक, नेक्स्ट सर, आगे की बात करी जाती है तो अगर मैं जनगणना को देखना शुरू करूं तो जनगणना आपको पता है कि भैया 1921 का जो है -6.2 जो है ग्रोथ, नकारात्मक वृद्धि, और सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है 1981 में 32.97%। 2011 की जनगणना की बात करी जाए तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है 21.30%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बात आती है राजस्थान की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है। तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का ये पूछ लिया जाता है कि सर शहरी और ग्रामीण जनसंख्या बताइए आप, तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या आपको ध्यान रखना है 74.5% जो है ये आपकी शहरी जनसंख्या है राजस्थान के, सॉरी शहरी और ग्रामीण की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना किसी भी क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, शहरी जनसंख्या कम होगी। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो है ना ग्रामीण जनसंख्या जो रखती है ये 75.1% रखती है, और बचे हुए 24.9% जो है ये देखने को मिलेंगे किसके, मेरे को ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या के। ग्रामीण और शहरी पूछे तो ध्यान रखना इसके अंदर आपको कि राजस्थान के अंदर जो शहरी जनसंख्या जो होगी वो कम होगी, ग्रामीण अधिक होगी, और ग्रामीण जनसंख्या जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 75.1%। और शहरी जनसंख्या अगर मैं देखना शुरू करूंगा राजस्थान की तो ये शहरी जनसंख्या जो है ये देखने को मिलेगी कितना 24.9%। ये क्वेश्चन पूछ जाता है राजस्थान की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या बताइए। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर आपकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2011 में कितनी रही है, तो 21.30% जो है ये मेरे को वृद्धि देखने को मिलती है 2011 की। देन अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत राजस्थान के अंदर पाया जाता है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% जो है ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। भारत की कुल क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग राजस्थान रखता है, और इस 10.41 भूभाग पर भारत की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो संपूर्ण भारत है, इस संपूर्ण भारत में राजस्थान का जो योगदान है क्षेत्रफल के अनुसार वो है 10.41%, और भारत की कुल जनसंख्या का जो योगदान है उसमें राजस्थान का है जनसंख्या के अंदर 5.66%। यानी कि राजस्थान में भारत की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या बताइए राजस्थान की, राजस्थान भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है, या राजस्थान के अंदर आपकी 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, राजस्थान के अंदर 2001 के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है। अब आगे देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले। ठीक, तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले ना, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काम करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जनसंख्या कभी देखनी है तो देखो क्वेश्चन क्या कहेंगे, पहले तो मैं ये देखता हूं कि जनसंख्या में क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा मुझसे। पहला तो मुझसे यह पूछ सकता है कि राज्य के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले बताओ आप। दूसरा यह पूछ सकता है कि भैया न्यूनतम जनसंख्या रखने वाले जिले बताओ आप। ठीक है, जनसंख्या सर्वाधिक और जनसंख्या आपकी न्यूनतम। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और मुझसे पूछ सकता है सर घनत्व बता दो, राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक घनत्व जो है वो कहां देखने को मिलता है, उसके अलावा न्यूनतम घनत्व बता दो, उसके अलावा वृद्धि दर बता दो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर कहां हुई है, उसके अलावा आप लिंग अनुपात बता दीजिए, उसके अलावा आप यहां पे अधिकतम लिंग अनुपात, न्यूनतम लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात, और उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा क्या शिक्षा, या बोल सकता हूं साक्षरता। तो ये आपके 5-7 मोड पे क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे के सारे मोड जो हैं हम यहाँ पे तैयारी नहीं करेंगे, इनको याद भी करके निकलेंगे। आपका गुरुदेव मेरी आंखों आपको देखने के लिए तरस गई, रतन भैया रोज दिखूंगा टेंशन ना लो, ठीक है रोज दिखूंगा टेंशन ना लो, आंखें तरसाओ मत, डेली दिखूंगा आपको। अब देखो सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूं, पहला क्वेश्चन क्या निकलता है आपके सामने कि भैया ये बताओ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहां निवास करेगी। ये मेरे को दिखाई दे रहा है राजस्थान। दोस्त ध्यान रखना, राजस्थान का मैप जो है ना
ये आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्थान के जिले आपको एक एक क्लियर होने चाहिए कि कौन सा जिला राजस्थान का कहाँ पे है। अगर आपको जिले पता है तो जनसंख्या से आसान कोई टॉपिक नहीं है, ठीक। और इस साल एग्जाम दे लोगे या क्रैक कर लोगे तो 2011 के डेटा याद करने पड़ेंगे, और 2022 में चले जाओगे ना तो 2021 के डेटा याद करने पड़ेंगे। तो अगली साल से जो है ये डेटा परिवर्तित हो जाएंगे, ये आंकड़े जो हैं चेंज हो जाएंगे, फिर नए आंकड़े याद रखने पड़ेंगे अपने को। तो सबसे ज्यादा मैं बात करता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या की। सर, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगी? सर्वाधिक जनसंख्या वही मिलेगी जहां पे आपका कृषि सर्वाधिक होगी, जो आपका मैदानी भाग होगा। राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग जो है ये मैदानी भाग है, कृषि जो है यहाँ पे आपका मैं बोल सकता हूँ अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या भी यही होगी, सर्वाधिक जनघनत्व भी यही देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने वाले या सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले 5 जिलों के नाम बता दीजिए। तो मैं बोलूंगा इसका याद रखने का तरीका, याद रखना जा जानू, जे जे ए एन यू, इतना याद रख लो। सर्वाधिक जनसंख्या कहां मिलती है राजस्थान में? जा जानू, जे जे ए एन यू। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? जयपुर। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहां मिलती है? जयपुर में। जयपुर के बाद नंबर 2 पे मैं बोलूंगा सर जोधपुर के अंदर। फिर उसके बाद में नंबर 3 पे आप बोलोगे सर अजमेर के अंदर। फिर उसके बाद में नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगा यहां पे अलवर, नंबर 3 पे अलवर। नंबर 4 पे देखने को मिलेगा यहां पे नागौर, और नंबर 5 पे देखने को मिलेगा आपको उदयपुर, ठीक है। क्या? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। एक बार क्रम देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जिला नंबर 1 पे जयपुर, नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है जोधपुर, नंबर 3 पे अलवर, नंबर 4 पे नागौर और नंबर 5 पे उदयपुर। अब एग्जामिनर यही नहीं रुकता है, एग्जामिनर क्या पूछता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जिला बताइए। सर जोधपुर होगा। दक्षिणी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जिला बताइए। सर उदयपुर होगा। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या, सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, जयपुर जिला जो है राजस्थान राज्य की राजधानी है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले में ही मिलेगी। अब बात आती है कि सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कहां निवास करती है राजस्थान में? तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी जयपुर में निवास करेगी, और राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ये भी जयपुर जिले में निवास करेगी आपका, ठीक। ये यहां तक का याद हो गया आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले कौन से हैं? सर जयपुर, जोधपुर, उसके बाद में अलवर, नागौर और उदयपुर। ये 5 जिले आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, और इन 5 जिलों के ही आपसे क्रम पूछे जाते हैं, ठीक। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगी, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी आपको जयपुर में ही देखने को मिलेगी। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं। सर न्यूनतम जनसंख्या कहां हो सकती है? पहला तो मैं बोल सकता हूं वह आपका वो जिला हो सकता है जहां पे आपका सबसे ज्यादा, मैं बोल सकता हूं कि मरुस्थलीय भूमि हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, या संसाधन जहां पे कम मिलते हो, भाई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, खेती नहीं हो सकती। मरुस्थल में क्या खेती होगी? जब खेती नहीं होगी तो मानव निवास करके क्या करेगा? जब उसकी आमदनी नहीं है, कोई आय नहीं है, तो निवास करके क्या करेगा? उसके अलावा कोई संसाधन भी नहीं मिल रहे इतने ज्यादा, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा कैसे रहेगी? तो सबसे कम जनसंख्या जो है ये जैसलमेर में। ध्यान रखना जैसलमेर जो है, कई चीजों के अंदर आपको याद रखना है। एक तो न्यूनतम जनसंख्या, एक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या भी ये रखता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी ये रखता है, और एक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी आपको जैसलमेर में मिलेगी। और ध्यान रखना राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर न्यूनतम लिंग अनुपात रखने वाला जिला भी आपको जैसलमेर दिखाई देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे न्यूनतम लिंग अनुपात और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक वृद्धि, 4 बार जैसलमेर आपको देखना पड़ेगा। ये तो जैसलमेर का मेरे को क्या ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य के अंदर न्यूनतम जनसंख्या रखने वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या रखने वाला जिला जैसलमेर। अब उसके बाद में यहां आ जाओ, दूसरा दिखाई देता है मेरे को प्रतापगढ़। अब देखो प्रतापगढ़ जो है ना आपका पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र है। उसके अलावा यहाँ पे आपका पहाड़ी और वन वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जनसंख्या क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या जो है दूसरे नंबर पे सबसे कम। फिर सिरोही में आ जाओ, पहाड़ी क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे सबसे कम। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे बूंदी, और पांचवें नंबर पे क्या देखने को मिलेगा? राजसमंद देखने को मिलेगा। ध्यान रखना न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि सर प्रतापगढ़ देखने को मिलता है।
और इसको दोबारा देखते हैं, अगर मैं पूछूं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलेगी, तो 5 जिले देखने को मिलते हैं मेरे को, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है। सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या रखने वाला जिला जो है जयपुर देखने को मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करी जाए राजस्थान राज्य के अंदर, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो देखने को मिलेगी नंबर 1 पे जैसलमेर के अंदर। फिर पर्वतीय जिलों में आऊंगा तो नंबर 2 पे देखने को मिलेगी मेरे को प्रतापगढ़ के अंदर, नंबर 3 पे जो देखने को मिलेगी मेरे को सिरोही के अंदर, नंबर 4 पे मैं देखता हूं तो मेरे को दिखेगा आपका बूंदी, और नंबर 5 पे मैं देखूंगा तो मेरे को दिखाई देगा आपका राजसमंद। ये न्यूनतम जनसंख्या रखने वाले राजस्थान राज्य के जिले हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर आपका, कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पाई जाती है? मैं बोलूंगा सर जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। मुझसे पूछ ले सर राजस्थान के अंदर न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहां पाई जाती है? मैं बोलूंगा सर प्रतापगढ़ के अंदर पाई जाती है। तो ये तो आई आपकी अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या की बात, ठीक है? यहां तक तो शायद आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या की बात हो गई। अब देखना शुरू करते हैं क्या राजस्थान राज्य के अंदर जनसंख्या घनत्व देखना शुरू करते हैं कि सर जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। पहली बात तो मुझे यह पता होनी चाहिए कि घनत्व जो है, घनत्व से मतलब क्या है, घनत्व से तात्पर्य क्या है। तो देखो घनत्व आप देखना शुरू करते हो, मैं बोल सकता हूं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसको कहा जाता है घनत्व। किसी क्षेत्र का यह आपका घनत्व कहलाया जाएगा, ओके? अब राजस्थान राज्य के अंदर पूछ ले कि सर 2011 की जो जनगणना देखने को मिलती है अपने को, इस जनगणना के अंदर घनत्व जो है अपना कितना देखने को मिलेगा? तो देखो 2011 की जो जनगणना है इसके अंदर घनत्व था अपना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 की जनगणना जो है इसमें था अपना 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर 35 व्यक्ति बढ़ गए अपने, है ना? ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य का औसत घनत्व बताइए, तो औसत घनत्व कितना होगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 200 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने करते थे? मैं बोलूंगा सर 165 करते थे। कितने की वृद्धि हुई? मैं बोलूंगा सर 35 की वृद्धि हो गई। 2021 के आंकड़ों में ज्यादा हो देखने को मिलेगा, और उससे ये तो घनत्व बढ़ता ही रहता है। अब घनत्व की बात आए, सर सघन जनसंख्या कहां मिलेगी? अगर आप सोचो, अगर मैं खुला आपको छोड़ दूं कि बजा जरा सोच के बताओ यार राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सघन जो है जनसंख्या कहां देखने को मिलती है। देखो सघन जनसंख्या अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत एक कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान देश के अंदर सघन जनसंख्या वहीं देखने को मिलती है जहां पर कृषिगत उत्पादन ज्यादा होते हैं, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ज्यादा देखने को मिलता है। आप अभी ये मत बोलना कि सर गंगानगर हनुमानगढ़ करते हैं, सर ये नहर आने के बाद कर रहे हैं। अगर मैं पहले से देखना शुरू करूंगा तो पूर्वी राजस्थान करेगा। पूर्वी राजस्थान के पास एक एडवांटेज हो रहा है, एक प्लस पॉइंट है कि मैदानी क्षेत्र है, और इसको बोला जाता है आपका बाढ़ का मैदान। यहाँ पे आपका मतलब बाढ़ संभावित क्षेत्र में आ जाता है पूर्वी राजस्थान, और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, और उसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और जहाँ पे खेतीगत उत्पादन ज्यादा होगा ना वहीं पर जनसंख्या जो है आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। उदाहरण देख लो आप राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर यूपी, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर जनघनत्व, सर रोजगार जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है मेरे को, पूर्वी राजस्थान के अंदर खेती के अंदर, ठीक? तो यहाँ पे भी आपको जनघनत्व जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। विकसित क्षेत्र भी यही देखने को मिलता है, औद्योगिक रूप से देख लो आप, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका शहरी रूप से देख लो, है ना? तो देखो सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्त, एक इस तरीके से आप लाइन लेना, यहां से लाइन पकड़ना, ये सीकर के पास से जयपुर जिले की ये लाइन पकड़ी मैंने, और ये दौसा से होता हुआ, ये होता हुआ, ये धौलपुर को लेके मैं ले गया इधर से। अगर मैं जिले देख रहा हूं ना, ये जयपुर है, ये अलवर है, ये दौसा आ रहा है, ये आपका देखने को मिलेगा भरतपुर, और ये देखने को मिलेगा धौलपुर। ये 5 जिले हैं जो कि आपका राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व रखते हैं। अब देखते हैं इनके जनघनत्व कैसे कैसे देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे सीधी सी बात है यार, सबसे सघन जनसंख्या जयपुर में ही देखने को मिलती है, तो मैं बोलूंगा सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ देखने को मिलेगा, जयपुर में देखने को मिलेगा। जो भी अपने फ्यूचर जॉब के पाना चाहता है तो अपनी ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुषार त्यागी सर TT लाइव कोड यूज करें, बिल्कुल यार, थैंक यू भाई कोमल। तो यहाँ पे मैं देखना शुरू करता हूँ अलवर, नागौर, उदयपुर। तो यहाँ पे आप देखना शुरू करोगे आपको क्या दिखाई देगा, नंबर 1 पे
ये जयपुर सबसे ज्यादा जनगणना, भाई सबसे ज्यादा सघन आदमी कहाँ देखने को मिलेंगे? आप देखोगे एक मकान के अंदर 20-30 आदमी रह रहे हैं, 20-30 तो नहीं, खैर हाँ एक मकान के अंदर, या एक आपकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ पूरे फ्लैट बने हुए हैं आपके, एक सोसाइटी बनी हुई है वहां पे आपका खूब सारी जनसंख्या रह रही है। गाँव में देखोगे उतनी सी जगह के अंदर भाई साहब खाली कूड़ छोड़ रखा है, कुछ नहीं है, कचरे कूड़े ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। तो शहर में सबसे ज्यादा जनघनत्व, शहरी जनसंख्या कहाँ? जयपुर में। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ? जयपुर में। नंबर एक पे जयपुर, फिर उसके बाद में नंबर दो पे जनघनत्व में किसको लोगे आप? यहां पे देखने को मिलेगा भरतपुर। सर बीच वाला क्या रह गया आपका? ये मेरे को दिखाई देगा आपका दौसा खाली। तो नंबर तीन पे दौसा, नंबर चार पे अलवर और नंबर पांच पे धौलपुर। क्लियर हो गया सर्वाधिक जनघनत्व क्या क्या देखने को मिल रहा है? नंबर एक पे मेरे को देखने को मिल रहा है जयपुर, नंबर दो पे देखने को मिल रहा है मेरे को क्या, इधर आपका भरतपुर, फिर उसके बाद में बीच वाला नंबर तीन पे दौसा, फिर उसके बाद में नंबर चार पे अलवर और नंबर पांच पे क्या देखने को मिलेगा मेरे को यहाँ पे आपका धौलपुर। तो ये पांच जिले देखने को मिलते हैं जो कि क्या रखते हैं, सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जनघनत्व देखने को मिलता है यहाँ पे आपका, ठीक, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकलता है, ये तो आपने एक सीधा सा रट्टा मान लिया या फिर कैसे भी मैं इसको याद करके बैठ गया कि सर जी सर्वाधिक जनघनत्व जो है ना वो मेरे को देखने को मिला है ऐसे, यहाँ पे जयपुर देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे मेरे को भरतपुर देखने को मिल रहा है, बीच में जयपुर भरतपुर के फंसा हुआ है दौसा, तो दौसा नंबर तीन पे आ जाएगा, फिर इसके ऊपर इधर यहाँ पे दौसा और जयपुर के ऊपर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है नंबर चार पे मेरे को अलवर और नंबर पांच पे देखने को मिलता है धौलपुर। इतनी सी कहानी मैंने काट दी, पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ बैठता है, वो पूछता है राजस्थान के ऐसे जिलों का समूह बताइए जो 500 से अधिक का जनघनत्व रखते हैं। तो 500 से अधिक का जनघनत्व रखने वाले दो जिले दिखाई दे रहे हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर का जनघनत्व 595 और भरतपुर का 503, याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस एक जयपुर का याद रख लो कि सर्वाधिक जनघनत्व रखता है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर में निवास करते हैं, औसत राजस्थान राज्य के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और इसमें यह ध्यान रखना कि 500 से ऊपर जनघनत्व जो है दो जिलों का देखने को मिलता है, भरतपुर का और जयपुर का। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि राजस्थान के अंदर 400 से अधिक का जनघनत्व रखने वाले जिलों के नाम बताइए। तो 400 से अधिक कौन से देखने को मिलेंगे? अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर। आप देखते हो अलवर का 438 है। कई बार लोग धोखे में आके इसमें धौलपुर लगा देते हैं, धौलपुर का जो दोस्त है 398 देखने को मिलेगा आपको जनघनत्व। ठीक, क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, बिल्कुल उपेक्षा, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख पाओगे इसका कि 400 से अधिक कौन सा है और 200 से अधिक कौन सा है आपका, इस चीज का ध्यान रख पाएंगे। अच्छा, इसके लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो है इसकी आप किताब देख सकते हो, ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर जो है, बिल्कुल ये आपके चार जिले हो गए हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट सर आगे देखना शुरू करते हैं, आगे देखना शुरू करते हैं तो अब मेरे को क्या दिखाई देगा राजस्थान के अंदर, ये तो होगी आपका जनघनत्व की बात, सर्वाधिक जनघनत्व। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ना आपके साथ में इन जनसंख्या वाले क्वेश्चन को अगर मैं राजस्थान के देखता हूँ विगत वर्षों के, तो यहाँ पे एग्जामिनर हमारे साथ में खेलता है। एग्जामिनर कैसे खेलता है? वो पूछ लेगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घनत्व रखने वाले जिले बताइए। वो केवल केवल आपके दिमाग से खेलने के लिए करता है, और कुछ नहीं है उसका मूड, सर्वाधिक घनत्व। अब देखो मैंने रट्टा मार रखा है, मैंने रट्टा क्या मार रखा है, मेरा रट्टा लगा हुआ है जयपुर है, जयपुर के बाद नंबर दो पे भरतपुर देखने को मिलता है, नंबर तीन पे दौसा देखने को मिलता है, नंबर चार पे अलवर देखने को मिलता है और नंबर पांच पे धौलपुर देखने को मिलता है। वो पूछ रहा है सर्वाधिक घनत्व रखने वाले जिले, उसने ऑप्शन मेरे को क्या दिया, नंबर एक पे दिया दौसा, दौसा के बाद में दिया अलवर और दिया मेरे को भरतपुर, फिर दूसरा ऑप्शन उसने मेरे को दिया दौसा, अलवर, धौलपुर, तीसरा ऑप्शन उसने दिया मेरे को दौसा, भरतपुर और आपका जयपुर, और चौथा ऑप्शन वो मेरे को दे देगा कौन सा आपका, धौलपुर, दौसा और आपका जयपुर, ठीक है।
ये इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पे सर इसने तो पूछा ही नहीं क्रम में बताओ, ये तो बोल ही नहीं रहा है कि आप इसको क्रम में बताओ। आरोही अवरोही तो इसने पूछा ही नहीं है कि घटते क्रम में बताओ या बढ़ते क्रम में, ये तो पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले 3 जिलों के नाम बता दो। तो सर्वाधिक मेरे को कौन कौन सा देखने को मिलता है, जयपुर है, जयपुर के बाद मेरे को दौसा देखने को मिलता है और अलवर। ध्यान रखना यहाँ पे हमारा दिमाग जो है ना वो एग्जाम में कोशिश करता है इन क्रम के अनुसार, हम वही सोचते हैं कि यार जयपुर पहला, यार यार जयपुर तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा दौसा दिखाई दे रहा है, अच्छा दौसा के बाद में यार दौसा के बाद में यहाँ पे दौसा अलवर भरतपुर, ये दौसा अलवर धौलपुर, चलो ठीक है इसी पे लगा दो। आप यहाँ पे इस तरीके से इन क्वेश्चंस में इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना पूरा ऑप्शन जो है आराम से पढ़ना, आपको सीधा सीधा जो है वो आंसर थर्ड वाला है वो दिख रहा है। इस तरीके के आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो है अपने राजस्थान के अंदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके तो ये ध्यान रहेगा। अब देखो सर्वाधिक घनत्व की बात हो गई, अब देखते हैं राजस्थान के अंदर न्यूनतम घनत्व, कि न्यूनतम घनत्व कहां देखने को मिलेगा। सर्वाधिक घनत्व के लिए यहां से एक लाइन खींची थी मैंने, न्यूनतम घनत्व के लिए भी आप एक लाइन ऐसे लेना यहां से बाड़मेर से और इधर जोधपुर को ले लेना और ये इस तरीके से आप ले लेना, ये निकल गए न्यूनतम घनत्व वाले जिले 5। ये अधिकतम घनत्व वाले इधर निकल गए 5 जिले आपके, ये यहां 5 निकल गए थे, ये यहां से निकाले थे मैंने, ये 5 जिले यहां निकल गए थे, न्यूनतम वाले 5 यहां निकल गए। कैसे याद करोगे इनको, सबसे कम जनघनत्व कहां है, जैसलमेर के अंदर नंबर 1 पे। कितना जनघनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर के बाद में नंबर 2 पे बीकानेर। कितना है, 17 यहां पे छोड़ा है ना, ये यहां पे जैसलमेर का 17 तो याद रख पाओगे, बीकानेर का याद रखना 17 के अंदर 7 जो है 7 को इस तरीके से उठा के रख देना, 7 और 1 क्या होता है 8, ये कर देना भाई 78 जो है ये देखने को मिलेगा किसका, बीकानेर का। अच्छा जैसलमेर के ऊपर वाला बीकानेर लिया दूसरे नंबर पे, जैसलमेर के नीचे वाला भी ले लो, इसको ना छोड़ो, फिर नंबर 3 पे देखने को मिलेगा कौन सा मेरे को, यहाँ पे आपका बाड़मेर देखने को मिलता है। ठीक है तो यहाँ पे आप देखना शुरू करोगे जैसलमेर आपका हाँ नंबर 3 पे जो देखने को मिलेगा मेरे को बाड़मेर देखने को मिलेगा, इसका जनघनत्व कितना होगा, ये 8 है, यहाँ पे लास्ट में 8 देखने को मिलेगा, ये 8 उठा ले, 8 के बाद में 9 आता है तो यहाँ पे 9 और 9 के बाद में 2 कर देना, बाड़मेर देखने को मिलेगा। उसके बाद में चौथा नंबर जो है ये देखने को मिलेगा किसका आपका, चूरू का 147 व्यक्ति, और पांचवा नंबर जो है ये आपको देखने को मिलेगा जोधपुर का, जिसका लगभग 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको जनघनत्व देखने को मिलेगा। तो ये 5 जो है न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले देखने को मिल गए। अब देखो यहाँ पे आपका 17, 78, 92, 147 और 161 याद रख पाओगे, ये 5 तरीके बता दिए इसके, क्या बताया, अगर पूछे राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनघनत्व बताओ भाई, तो न्यूनतम जनघनत्व के लिए ये यहां से मैंने एक लाइन खींची है इस तरीके से आपका, इस तरीके से नंबर 1 पे जैसलमेर 17 व्यक्ति, नंबर 2 पे बीकानेर 7 छोड़ा है, 7 और 1 क्या हो गया आपका 8, नंबर 3 पे 78 इसका जनघनत्व है, नंबर 3 पे बाड़मेर, 8 के बाद आता है 9, ठीक है 9 और 2 92 इसका जनघनत्व है, नंबर 4 पे चूरू जिला कितना है आपका 4 पे है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 147 जो इसका जनघनत्व होगा, और नंबर 5 पे जोधपुर, तो जोधपुर का 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये जनघनत्व देखने को मिलेगा। ये जनघनत्व की बात हो गई यहाँ पे आपकी न्यूनतम। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है, क्या क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन ये निकलता है कि राजस्थान राज्य के अंदर ऐसे जिलों का समूह बताइए जिनका जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम देखने को मिलता है। ऐसा तो हमने कभी याद ही नहीं कराया यार। तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप आरएस का दो, चाहे आप रीट का दो, चाहे आप राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम के अंदर आपको जनसंख्या से या सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन का मोड भी आपका लगभग यही रहेगा। तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से देखने को मिलता है कम 3 जिलों का, कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, या ये पूछ लेगा कि आपका बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, या क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जिलों का समूह बताइए, आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए। तो हर तरीके से यहाँ पे आपके 3-4 टाइप के क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रहेगा ये सर आपका, ठीक है ये याद रहेगा सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन समझने में नहीं आया, कौन सा नहीं आया, उपेक्षा कौन सा क्वेश्चन समझने में नहीं आया, बीकानेर 78, अरे यार
इधर आओ, यहाँ चलो, न्यूनतम जनघनत्व की बात कर रहे हैं, याद कैसे रखना है ये बता रहा हूँ। जैसलमेर का 17 याद रख पाओगे क्या? जैसलमेर का न्यूनतम जनघनत्व 17 याद रख पाओगे क्या? ठीक है, मैं बीकानेर पाया नंबर 2 में, यहाँ पे 17 है ना, 17 का क्या रख लोगे? 7 रख लोगे, इस तरीके से 7 और 1 8, इसको जोड़ लेना, क्या हो गया? 8 हो गया, 7 और 1 जोड़ा तो क्या हुआ? 8 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे 8 पे आया, लास्ट में 8 छोड़ा है, 9, 9 के बाद में 2। चूरू जो है ध्यान रखना AK-47 147 चौथे नंबर पे है, तो 4 जरूर रहेगा, 147 चूरू का। जोधपुर जो है 161, बस इतना सा तो याद रखना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या आ गई, अधिकतम जनसंख्या आ गई, न्यूनतम जनघनत्व आ गया और अधिकतम जनघनत्व आ गया। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है। अब देखो, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि से है ना तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? मैं बोलूंगा 2001 से लेकर के 2011 के मध्य है जो ग्रोथ हुई है वो होती है दशकीय वृद्धि। अब अक्सर जो है मतलब हमारा दिमाग क्या काम करता है या हम क्या सोचते हैं कि यार दशकीय वृद्धि मतलब यहाँ के लोग जो है मतलब इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। यार भाई, जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करने से आपकी जनसंख्या वृद्धि हो। जनसंख्या वृद्धि होने का एक कारण क्या हो सकता है? प्रवास भी हो सकता है, हो सकता है कि बाहर से लोग यहाँ पे आके बस गए हों, ये भी तो एक कारण हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो होते हैं भूगोल के अंदर 2 बताए जाते हैं ज्योग्राफी में। एक कारण से कभी जनसंख्या वृद्धि नहीं बढ़ती है, एक तो होती है प्राकृतिक वृद्धि जो कि आपका जन्म दर से वृद्धि होती है, और एक वृद्धि होती है प्रवास से वृद्धि कि यहां से बाहर से लोग यहां पे आए हैं, तो ये होती है आपकी। 2 तरीके से वृद्धि होती है जनसंख्या के अंदर, ठीक। आपको पता है कि विगत 10 वर्षों के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन बहुत मिले हैं 2001 से 2011 के दशक में, है ना। और जब यहाँ पे 1 से 11 के दशक में पेट्रोलियम संसाधन मिले हैं ना, तो यहाँ पे रिफाइनरी भी लगेंगी, रिफाइनरी लगेंगी तो यहाँ पे नए उद्योगों का भी सृजन होगा, और जब नए उद्योग लगेंगे तो यहाँ पे रोजगार भी आपके स्थापित होंगे, रोजगार के नए केंद्र बनेंगे, रोजगार के नए केंद्र बनेंगे तो लोग जो है इस रोजगार के नए केंद्र की तरफ आकर्षित होंगे। तो पेट्रोलियम संसाधन सबसे ज्यादा कहाँ मिला? बाड़मेर में। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि भी बाड़मेर में होगी। ये प्राकृतिक दशकीय वृद्धि नहीं है, ये आपकी क्या है? प्रवास के, मतलब लोग जो है यहाँ पे आपका रोजगार के लिए आए हैं, अन्य क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका मैं बोल सकता हूँ बाहर से लोग आके निवास करने लगे हैं, बिल्कुल आपका। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपका मृत्यु दर कम होना, ये भी हो सकता है। हाँ, मृत्यु दर, देखो मृत्यु दर कम है किसी क्षेत्र के अंदर, तो ये भी एक आपका कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि दशकीय वृद्धि यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली है मेरे को, है ना, यहाँ पे बिल्कुल मेरे को देखने को मिल सकता है ये। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा आपका, सर जैसलमेर का ध्यान रखोगे क्या? राजस्थान में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किसने करी है? जैसलमेर ने करी है, है ना। नंबर 2 पे कौन सा करेगा? जैसलमेर के जस्ट बगल वाला ले लेना इसको, आप सॉरी बाड़मेर जो है सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, सॉरी अगेन मैं जैसलमेर बोल गया, नंबर 1 पे देखने को मिलेगा बाड़मेर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि करने वाला जिला। नंबर 2 पे जैसलमेर को ले लो। अच्छा, नंबर 3 पे, सर नंबर 3 पे इधर जोधपुर को क्यों छोड़ रहे, इसको भी ले लो। तो ये जो 3 जिले आपको पश्चिमी राजस्थान के देखने को मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं अपने राज्य के अंदर दशकीय वृद्धि। कौन कौन से दिखाई दिए मेरे को? एक तो दिखाई दिया मेरे को नंबर 1 पे बाड़मेर, नंबर 2 पे दिखाई दिया जैसलमेर, और नंबर 3 पे क्या दिखाई दिया मेरे को आपका? जोधपुर जिला दिखाई दिया। अब ये 3 दशकीय वृद्धि तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गई, आगे मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सर आगे मैं बोल सकता हूँ और कौन सा जिला हो सकता है? चौथे नंबर पे इसको बांसवाड़ा को रख देना आप, चौथे नंबर पे बांसवाड़ा रहा है, इसके पीछे अशिक्षा कारण है, है ना। बांसवाड़ा के अंदर ट्राइबल एरिया और अशिक्षा कारण है बांसवाड़ा के अंदर। और 5वें नंबर पे तो अपने को जयपुर जो है मिलने ही वाला है। तो ये 5 जिले हो गए जो कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रखते हैं आपके राजस्थान राज्य के अंदर, ठीक। अब देखो एक बार है ना, जितनी भी मैंने कहानी गाई है इसको फटाफट रिकॉल करते हैं, देखता हूं आप लोगों को कितना याद हुआ है। और याद रखने का देखो इसको सबसे अच्छा ट्रिक जो है ना वो आपको यही देखने को मिलेगी, क्या राजस्थान का आप क्या करेंगे इस तरीके से जो है मैप, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये जो जिले वाला जो मैप है ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त, ये ध्यान में रहेगा, जिले ध्यान रहेंगे तो आप बता सकते हो कि जनसंख्या जो है कहां अधिक है कहां कम है।
फटाफट रिकॉल करते हैं। नंबर एक पे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि सर राजस्थान के अंदर आप ग्रामीण और शहरी जनसंख्या बताइए कितनी है, इसका अनुपात कितना देखने को मिलता है, कितने कितने प्रतिशत है। मैं बोलूंगा कि सर राजस्थान के अंदर तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। राजस्थान क्या भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? कितनी करती है सर? 75.1% करती है। तो सर ग्रामीण जनसंख्या 75.1 करती है तो शहरी कितनी करती होगी? सर बची हुई शहरी करेगी, अब शहरी याद करने की जरूरत ही नहीं है। कितना बचा? 24.9% जो है ये शहरी जनसंख्या। राजस्थान जनसंख्या के हिसाब से भारत के अंदर जो मैं देखना शुरू करता हूँ, भारत की कुल कितनी जनसंख्या रखता है? मैं बोलूंगा सर 5.66% जनसंख्या भारत में की निवास करती है राजस्थान राज्य के अंदर। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि सर 2011 के अंदर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है? 11 के बाद क्या आता है? 11 के बाद अगला दशक कौन सा आएगा? 21 आएगा ना, तो ध्यान रखना 21.30% जो है ये राजस्थान राज्य की वृद्धि दर रही है। भारत की वृद्धि दर ध्यान रखना 17.7% ये भारत की है और ये राजस्थान की 21.30% आपकी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले 5 जिलों के नाम बताइए, तो मैंने बताया बस ये याद रखना जा जानू, ठीक है? क्या याद रखना है? जा जानू, जे जे ए एन यू, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, ए से आपका अलवर, एन से नागौर और यू से देखने को मिलेगा उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर 5 जिलों का समूह जो कि ये जो जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान राज्य के अंदर रखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या जयपुर जिले के अंदर। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात आती है, नंबर एक पे कौन सा हो गया? जैसलमेर। नंबर दो पे कौन सा हो गया? सर नंबर दो पे देखने को मिल गया मेरे को प्रतापगढ़। नंबर तीन पे सर सिरोही। नंबर चार पे सर मेरे को देखने को मिला बूंदी। नंबर पांच पे देखने को मिला मेरे को राजसमंद आपका, ठीक। राजस्थान के अंदर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ मिलेगी? मैं बोलूंगा सर जैसलमेर जो जिला है ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या रखता है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ देखने को मिलेगी? मैं बोलूंगा सर प्रतापगढ़ जो जिला है ये राजस्थान के अंदर आपका न्यूनतम शहरी जनसंख्या रखता है आपका, ठीक है? हो गई बात क्लियर यहाँ पे? सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। अब बात दूसरी मैंने कौन सी करी थी? घनत्व की बात करी थी। तो घनत्व आप देखना शुरू करोगे राजस्थान राज्य के अंदर, जब घनत्व की बात आ जाए तो तुरंत क्या करना है? सर्वाधिक घनत्व, पहले तो मेरे को याद होना चाहिए कि औसत घनत्व कितना है राजस्थान का, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं राजस्थान के अंदर औसत घनत्व में। सर्वाधिक घनत्व सर ये 5 जिले का समूह मेरे को लेके चलना है इस तरीके से, ये 5 जिलों का समूह आपका ये, ठीक। नंबर एक पे जयपुर, नंबर दो पे ये देखने को मिलेगा कौन सा आपका? भरतपुर। नंबर तीन पे दौसा, नंबर चार पे अलवर और नंबर पांच पे देखने को मिला धौलपुर। अगर आपसे पूछ ले कि 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व, सॉरी 400 व्यक्ति से अधिक जो है आपका जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले कौन कौन से हैं? मैं बोलूंगा सर 4 जिले हैं जो कि 400 व्यक्ति से अधिक जनघनत्व रखते हैं। कौन सा? जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा। पूछे राजस्थान के अंदर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले, मैं बोलूंगा सर जयपुर और कौन सा देखने को मिलेगा मेरे को? भरतपुर, ठीक। ध्यान रखना धौलपुर जो है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है धौलपुर के अंदर, या करते हैं। आगे की बात, अब न्यूनतम जनघनत्व की बात आ जाए तो सर न्यूनतम जनघनत्व की बात आ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा इसके लिए? वही एक लाइन पकड़ूंगा यहां से, कहां से? बाड़मेर से। और बाड़मेर, जैसलमेर और ये आपका जोधपुर को लेता हुआ ये यहां से एक लाइन ले ली मैंने। सर न्यूनतम जनघनत्व बताओ, नंबर एक पे जैसलमेर, नंबर दो पे बीकानेर, नंबर तीन पे बाड़मेर, नंबर चार पे चूरू और नंबर पांच पे क्या देखने को मिलेगा मेरे को? जोधपुर। आपका पूछ ले कि ऐसे जिले बताओ जिनका जनघनत्व 100 से कम देखने को मिलता है। सर 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर की बात पूछ ले आपसे कि राजस्थान राज्य के अंदर आपका सर्वाधिक वृद्धि दर बताइए सबसे दशकीय वृद्धि दर, तो नंबर एक पे देखने को मिलेगा बाड़मेर, नंबर दो पे जैसलमेर, नंबर तीन पे देखने को मिलेगा जोधपुर, नंबर चार पे बांसवाड़ा और नंबर पांच पे जयपुर। आई होप सो यहां तक की जो चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक की तो कहानी क्लियर हो गई आपकी?
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ आप, यहां तक का किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ आपका, याद हुआ यहां तक? प्रणाम बलवीर भाई, उपेक्षा, कांतिलाल, रतन भाई, चलो ठीक है, सरोज, ओके। अब देखना शुरू करते हैं कि सर सर्वाधिक आपकी दश की वृद्धि तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिली, अब पूछ ले कि बताओ जरा कि न्यूनतम दश की वृद्धि कहाँ देखने को मिलती है। तो देखो न्यूनतम दश की वृद्धि की बात करी जाए ना दोस्त, नंबर एक पे लेके चलना श्री गंगानगर को, बिल्कुल ऊपर वाला जो राजस्थान का उत्तरी छोर जो है ना, ये न्यूनतम दश की वृद्धि कर रहा है, यानी कि इन दशक के अंदर सबसे कम वृद्धि करी है आपका। अब कारण कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है लोग माइग्रेट कर गए हों यहां से, हो सकता है लोग प्रवास कर गए हों दूसरे क्षेत्र में, हो सकता है यहाँ पे आपका बर्थ रेट जो है वो कम रही हो, ठीक, दोनों कारण हो सकते हैं। नंबर एक पे गंगानगर, नंबर दो पे ध्यान रखना आपको देखने को मिलेगा कौन सा, झुंझुनू। नंबर दो पे न्यूनतम वृद्धि दर रखने वाला जिला जो है वो देखने को मिलेगा झुंझुनू। अब देखो न्यूनतम वृद्धि में दो ऊपर वाले जिले लेके है ना, तुरंत नीचे उतर जाना आप राजस्थान के अंदर, बिल्कुल नीचे उतर जाओगे। नंबर तीन पे पाली, चार पे बूंदी और पांच पे चित्तौड़गढ़। ये पांच जिले ऐसे हैं जो कि न्यूनतम दश के वृद्धि दर करते हैं, नंबर एक गंगानगर, नंबर दो झुंझुनू, नंबर तीन पाली, नंबर चार बूंदी और नंबर पांच चित्तौड़गढ़। आई होप सो आपको ये चीज याद हो गई होगी, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या रखने वाले जिले, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घनत्व रखने वाले जिले, राजस्थान के अंदर न्यूनतम घनत्व रखने वाले जिले, राजस्थान के अंदर आपको सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रखने वाले जिले और न्यूनतम दशकीय वृद्धि रखने वाले जिले हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब देखो दशकीय वृद्धि के बाद में आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं अपने, आगे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे मैं बोल सकता हूँ घनत्व हो गया, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात का। नेक्स्ट जो बनता है क्वेश्चन लिंग अनुपात का बनता है, सेक्स रेशियो का बनता है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या निकलता है कि ये तो मेरे को पता है कि राजस्थान राज्य का इस बार का लिंग अनुपात जो है 928 है, भारत का लिंग अनुपात कितना है 943 है, 947, ठीक। तो यहाँ पे आप देखना शुरू कर रहे हो 3-2-5 जो है उसकी मेरे को कमी देखने को मिलती है, लिंग अनुपात भारत के औसत लिंग अनुपात जो है उससे कम देखने को मिलेगा 15 का, भारत के औसत लिंग अनुपात से कम लिंग अनुपात है राजस्थान राज्य का। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, मैं बोलूंगा 928। अब देखो 2011 की जनगणना का पूछ लिया आपसे, ये पूछ बैठे कि सर ये बताओ कि आपका राजस्थान के अंदर अब तक का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात जो है वो कौन से दशक के अंदर देखने को मिला था, तो अब तक का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात राजस्थान का 1921 के अंदर था, सबसे न्यूनतम, सबसे घटिया लिंग अनुपात अपना। और सबसे घटिया की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1921 का अगर आप दशक देखना शुरू करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 876, यानी कि 1000 पुरुषों पे 876 जो थी महिलाएं हुआ करती थी 1921 में। और राजस्थान राज्य का अब तक का सबसे अच्छा लिंग अनुपात कब का है, मैं बोलूंगा 2011 की जनगणना का है, 928 का लिंग अनुपात देखने को मिलता है। अब बात आती है, ये तो हो गई कुल लिंग अनुपात की, ठीक है। देखो यहां पे ये कुल लिंग अनुपात मेरे को 928 देखने को मिला। अब दो चीज आती है, शहरी और ग्रामीण लिंग अनुपात, और बता दो, कई बार क्वेश्चन है राजस्थान के अंदर शहरी लिंग अनुपात बताओ और ग्रामीण लिंग अनुपात बताओ। यहां पे आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट बना के रखना है अपने दिमाग में, लिंग अनुपात की बात करी जाए ना, शहरी और ग्रामीण की कभी भी तुलना करी जाए भारत के अंदर, तो सदैव ग्रामीण लिंग अनुपात ही अधिक देखने को मिलेगा, शहरी लिंग अनुपात हमेशा आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? सर शहर के अंदर रोजगार के लिए भारतीय समाज के अंदर प्राय पुरुष जाते हैं काम करने के लिए, या मैं बोल सकता हूं प्रवास जो करते हैं शहरों की तरफ वो पुरुष अधिक करते हैं, चाहे आप शिक्षा के लिए देख लीजिए चाहे आप रोजगार के लिए देख लीजिए, पुरुष आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान के अंदर औसत लिंग अनुपात 928, अगर बात कर ले शहरी लिंग अनुपात तो आपका ये देखने को मिलेगा 914, 914। और अगर बात कर ली जाए ग्रामीण लिंग अनुपात की तो ये देखने को मिलेगा 933, 933। ध्यान रहेंगे ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, औसत लिंग अनुपात, शहरी लिंग अनुपात और कौन सा ग्रामीण लिंग अनुपात, ठीक है, ध्यान रहेगा 914 और 933, ठीक। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंग अनुपात रखने वाले जिलों के नाम बताइए। तो देखो सर्वाधिक लिंग अनुपात पता है कहाँ देखने को मिलेगा? ट्राइबल एरिया है जो दक्षिणी राजस्थान का, यहाँ पे आपको, यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात देखने को मिलता है अपने को,
ट्राइबल क्षेत्र है आपका, ठीक। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना, एक ट्रिक ध्यान रख लेना कि महिलाएं जो हैं क्या है आपका डूंगरों पे राज कर रही हैं। राजस्थान के अंदर महिला लिंग अनुपात की बात करी जाए तो ध्यान रखना डूंगरों पे राज कर रहा है कौन, पाली। महिला जनसंख्या के अंदर, या मैं बोल सकता हूं महिला लिंग अनुपात के अंदर, डूंगरों पे राज कर रहा है पाली। तो डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, ये तीन जिले जो हैं एक क्रम में। फिर उसके बाद में दो देखने को मिलेगा आपको, एक तो यहां पे आ जाओ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये हो गए पांच जिले सर्वाधिक लिंग अनुपात रखने वाले जिले। आओ जरा देखते हैं इसके अंदर भी क्या है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ, डूंगरपुर 994, राजसमंद 930, पाली 987, प्रतापगढ़ 983 और बांसवाड़ा 980। इसके अंदर देखो अब ग्रामीण क्षेत्र के लिंग अनुपात की भी बात करेंगे, शहरी क्षेत्र के भी लिंग अनुपात की बात करेंगे, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तक का जितना बताया, न्यूनतम लिंग अनुपात की मैं बात आपसे कल करूंगा, कल मैं बताऊंगा कि न्यूनतम लिंग अनुपात जो है राजस्थान के अंदर कहाँ देखने को मिलता है और राजस्थान के अंदर जो है लिंग अनुपात से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के राजस्थान के विगत इस जनसंख्या रिपोर्ट के बाद में। राजस्थान के अंदर जनसंख्या के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और नो डाउट आपको ये जनसंख्या जो है वो सारी की सारी यहाँ पे याद होगी, आई होप सो, हो भी रही होगी। और अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप ये बोल सकते हो कि सर नहीं हुई है, तो आप बता दो, कोई दूसरी ट्रिक जो है वो देखने को मिलेगी आपके, ठीक। गाग जी में पानी की बूंद लाने चलो गए, ठीक। डूंग राज पाली, आप देखो ट्रिक जो है आप अपनी कोई भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो बना सकते हैं ट्रिक। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं यार ये ट्रिक ठीक है ये मान्य नहीं होगी, याद करना है। देखो मेरा तरीका ये है मैप के थ्रू, अगर मैप के थ्रू आप इसको दो तीन बार देख लोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। लाइफ टाइम आपको याद भी नहीं करनी है, एग्जाम तक याद करनी है, और ये अभी होने वाले एग्जाम के ही काम की है, आगे आपके काम की भी नहीं है, ठीक है। तो ये होगी आपकी जनसंख्या की कुछ बातें। इसका सेशन कल भी है, जनसंख्या का सेशन परसों भी है, तीन सेशन है। दो सेशन के अंदर मैं यहाँ बात करूंगा, फिर एक सेशन के अंदर आपका टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट के अंदर देखेंगे कि कितनी चीजें आई हैं, राजस्थान के क्वेश्चन जो है किस तरीके के जनसंख्या से मेरे को देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझने में आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, शेयर जरूर करना है आपको। आगे जो कोर्स देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग का। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग देखेंगे, सेकंड ग्रेड के अंदर भी देखने को मिलेगी, ठीक। रीट वाले जितने भी लोग हैं, तो मेरा कोर्स जो है वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है रीट लेवल 2 का, और रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी मैं शुरू करूंगा 9 तारीख से। एसआई का जो है मेरा कोर्स ज्योग्राफी का जो है मैं शुरू कर रहा हूँ आपका 12 तारीख से सुबह 9 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिक मैपिंग जो है ये भी मैं आरएएस के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, कब से आपका ये देखने को मिलेगा, इस शनिवार से, ठीक है। तो ये इससे नहीं, सॉरी, अगले शनिवार से देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपके मेरे तीन कोर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर इन सभी की क्लासेस लेना चाहते हैं, घर बैठे पूरी तैयारी और जितनी चीजें आप याद करना चाहते हैं, टेस्ट उसके साथ में लेना चाहते हैं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। उसके अलावा आप फ्री क्लासेस जो है मेरी वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, अनअकैडमी ऐप का लिंक मिलेगा, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, मेरी प्रोफाइल पे आके आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अनलॉक करने के लिए वही रेफरल कोड पूछेगा, तो ये टीटी लाइव जो है ये कोड यूज कीजिए, डिस्काउंट के लिए ये कोड आप यूज कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट।